वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। आज आपके लिए राजस्थान की बहुत ही फेमस डिश लेकर आई हूँ, जिसका नाम है दाल बाटी। दाल तरह तरह की दालों को मिक्स करके बनाया जाएगा और बाटी आटे की बनी जाएगी, जिसे मैं सैलो फ्राई करूंगी। तो चलिए बनाते हैं दाल बाटी। दाल बाटी बनाने के लिए हम ये बाटी की सामग्री है और ये दाल बनाने के लिए। बाटी के लिए लेंगे आटा एक बाउल, नमक, घी, पानी। और दाल बनाने के लिए ये चार तरह की दाल ली है। अरहर की दाल हाफ बाउल, मसूर की दाल हाफ बाउल, और ये मोगर छिलके वाली है और ये बिना छिलके वाली दाल है। धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, जीरा, हरी मिर्च और ये नींबू लिया है। इसमें लहसुन डालना है। लहसुन को छील के 7-8 कलियां लेकर और इसे आप थोड़ा सा दबा कर लिए, इसको पीसना नहीं है पूरी तरह से। लौंग है 7-8 लौंग और काली मिर्च 7-8। दालों को मैंने धो लिया है और इसे अब कुकर में डालेंगे। इसमें पानी ऐड करते हैं, 2 कप पानी ऐड करते हैं। मसाले डाल देते हैं, 1/2 स्पून लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 1/2 स्पून, नमक 1/2 स्पून नमक, हल्दी पिंच डालते हैं, बंद करके 1 सीटी पकाने का इसे बॉईल कर लेते गैस। ये बनाना शुरू करते हैं। पहले आटे को बाउल में डाल लेते हैं, डाल लेते 5 स्पून घी, डालने के बाद इसमें नमक डालते हैं 1/2 स्पून नमक, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मोइन घी का ही डाले, इससे बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और इसे चारों तरफ मलते हुए इस तरह मिक्स कर लें। आप आटे में जब ये मोइन डालोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये अच्छा ये बन रहा है। पहले भी मैंने बताया था, जब भी किसी चीज का मोइन डालते हैं तो उसको ऐसे देखते हैं कि ये बन रहा है कि नहीं। हल्का सा बनना चाहिए, इससे मालूम हो जाएगा कि आपका आटे के अंदर अच्छी तरह से मोइन डल गया और बहुत ही अब सॉफ्ट बनेगा। इसमें अब पानी डाल के थोड़ा थोड़ा ऐसे आटे की तरह गूंद लेते हैं। थोड़ा सा सख्त ही गूंदेंगे। आटा गूंद गया है, इसमें थोड़ा सा घी ऊपर लगाकर और इसको थोड़ा सा सख्त ही आटा रखना है और इसे ढककर 1 मिनट के लिए रख देते हैं। आटे को निकाल कर देखते हैं और वापस इसको गूंद लेते हैं। अब इसकी बाटी बनाते हैं। पहले इसकी लोइयां बना लेते हैं। बड़ी बड़ी ऐसे बड़ी बना लें इस तरह। इसको गोल बिल्कुल मतलब चिकना नहीं करना है, इस तरह आप बना सकते हैं। मैंने पैन गरम कर दिया है और ये पानी बॉईल हो रहा है। बिल्कुल पानी बॉईल हो जाए फिर हम ये सारी बाटियों को इसके अंदर डालेंगे।
धीरे धीरे डालें। और इसे खुला ही ढके नहीं आप इसे, और इसे 2 मिनट के लिए, कम से कम 2 मिनट के लिए इसे पका लें आप। बाटी मैंने बॉईल कर लिया है और इसे फ्राई करके बनाएंगे। मगर एक दूसरा मेथड है कि आप इसे मार्केट में ये ओवन मिलता है, और मैंने जब आटा गूंदा था और लोई बनाई थी तो वो आप बाटी बॉईल करने से पहले इसके अंदर आप रख सकते हैं और इसे चारों तरफ से सेक कर और वो बाटी बन जाएगी। मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बाटी बॉईल वाली, फ्राई करके बताऊंगी। बॉईल करके बाटियां निकाल ली है और वो ठंडी हो गई है। अब इसे कट कर लेते हैं, इसे 2 पीस में काट लें। कट गया इसका। अब ये कढ़ाई को गरम कर लिया है और इसके अंदर मैंने ऑयल डाला। आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो इस पे धीरे धीरे ये बाटियों को पहले थोड़ा फ्लेम तेज कर देंगे, उसके बाद जब ये पकने लगेगा, अच्छी तरह ब्राउन होने लगेगा, तो थोड़ा स्लो करके बनाएंगे, जैसे कि ये अंदर तक अच्छी तरह पक जाए। बाटियां फ्राई हो रही है, आप इसे स्लो में ही फ्राई करेंगे और इसे टर्न करते जाएंगे। एक बाटी को आप टर्न करते जाओगे। तड़का लगाने के लिए पैन ले लिया, गरम कर लिया है। इसमें घी डालेंगे, 1 चम्मच भरकर घी डाल दें। जैसे ये गरम हो जाए, इसमें जीरा 1/2 स्पून जीरा, लाल हो जाइए, इसमें काली मिर्च, हमने बताया था 7-8 काली मिर्च डाल दें, लौंग डाल दें 7-8 लौंग, और ये लहसुन 1 बड़ा चम्मच, लहसुन 8 कलियां, लहसुन को कूट कर लेंगे और स्लो कर दें, फ्लेम को स्लो करते हुए इसको थोड़ा सा सौते कर लें, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ये हो गया है। इसमें आप लाल मिर्च पाउडर 1 भर के चम्मच आप लाल मिर्च डालें, धनिया 1/2 स्पून, थोड़ा सा हल्दी, पिंच हल्दी, हल्दी इसमें भी डला हुआ है, और ये नमक 1/2 स्पून नमक, इसको मिक्स कर ले। अब इसमें पानी डाल दें, पानी डाल जो दाल बॉईल किया था इसके अंदर हम इसको डाल देंगे, सारी दाल को अंदर मिक्स कर देते हैं मसाले में। अंदर पानी जो बाटी से हमने बॉईल की थी वो पानी बचा हुआ था, इस वही पानी आप इसके अंदर डाल दें, यूज आ जाएगा आपका पानी का उसका। और इसे अच्छी तरह से चारों मिक्स करते हुए एक बॉईल आ जाए, बॉईल आते ही आपकी दाल बन जाएगी। दाल बॉईल हो गया है, अब गैस को ऑफ कर देते हैं। इसे अब बाउल में निकाल लेते हैं दाल को। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अंदर दाल में भी और बाटी में भी, दाल निकल गए सारे। और इसके अंदर आप नींबू जरूर डालें, नींबू का जूस आप निकाल के इसके अंदर नींबू डाल दें,
और इस पर थोड़ा सा धनिया। और मैंने ये जो बाटी फ्राई की थी इस बाटी को भी सारे लगा लें। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए हर हफ्ते ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग।